और अब खबर राजधानी रायपुर से, जहां पर प्लाईवुड कारोबारी के यहां पर 50 लाख की डकैती मामले में पुलिस ने 24 घंटे में ही बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद रायपुर से नागपुर होते हुए दिल्ली जा रहे थे। पुलिस ने 5 आरोपियों को दिल्ली के करीब चलती ट्रेन से गिरफ्तार किया है। उस डकैती का मास्टरमाइंड कारोबारी का पुराना कर्मचारी ही निकला और इसी ने बीकानेर के प्रोफेशनल डकैतों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था, जो कि अभी फरार है। पुलिस को ITMS के कैमरों में डकैतों का क्लू मिला है, जिसके आधार पर इन्हें पकड़ा गया। पुलिस ने डकैतों के द्वारा लूटी गई रकम और एक देसी कट्टा बरामद किया है। एक डेढ़ घंटे की मशक्कत करने के बाद फाइनली हम लोग ट्रेन में ही, चलती ट्रेन में ही आइडेंटिफाई कर पाए थे और चलती ट्रेन में ही हम लोगों ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। 5 आरोपी थे इसमें और जो लूटी हुई जो रकम थी वो पूरी रकम जो है हम लोगों ने बरामद की है। और इस पूरी घटनाक्रम में जो कट्टा इस्तेमाल किया था वो भी हम लोगों ने एक नाले में से बरामद किया है। और अब खबर सतना।